मैं इस वक्त आ रहा हूँ निमेड़ा से, सीमेंट भर के आया हूँ और मैं टिकरिया जाऊँगा यहाँ जयपुर। अच्छा, तो आपका नॉर्मली यही रूट होता है आने जाने का? ये सर, वैसे तो मैं अभी टूर नौकरी भर के लाया हूँ, वैसे बांसवाड़ा चलता हूँ। अच्छा, इस रूट पे हमें पता चला है कि औरतें व्यापार करती हैं। हाँ, तो आपको पता है इसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरा मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे है, मानता हूँ मैं भी है कि यहाँ किशनगढ़ है, इसके बीच बीच में अंदर ही है, क्यों मैं अभी तक देखा कभी नहीं हूँ, जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप पूरा बताइए ना, क्या है पता नहीं चलेगा ना, यहाँ तो औरतें करती हैं ऐसा बोलते हैं। हाँ करते हैं ना, ऐसा ब्लैक करते हैं ऐसे, कहीं गाड़ी वाले चलते हैं तो कभी कभी रात को, मैं देखा भी हूँ कभी कभी रात को एक दो औरतें खड़ी होकर हाथ मारती है, तो कभी कोई जो सरदार लोग है वो रोक के अंदर बिठा लेते हैं, वो कहीं भी हो जाता है उस जगह। कैसे कैसे लोग आते हैं आपके पास? उनके पास एक ये रास्ता भी आते हैं, पंजाबी ज़्यादातर रुकते हैं, पंजाबी ज़्यादातर यहीं गाड़ी रोकते हैं। ट्रक ड्राइवर और टूरिस्ट लोग कैसे? ट्रक ये और जीप वाले, ये जो भी कमांडो जीप निकली है, नहीं नहीं ये ज़्यादातर कभी कभी यहीं रुक जाती है। अच्छा, तो क्या आपको मालूम है एड्स के बारे में कुछ? इतना तो मेरे को मालूम है। आपको मालूम है कि और भी आपके ट्रक ड्राइवर भाई बंधु एड्स बीमारी के बारे में मालूम होगा? नहीं, इतना संभव नहीं है, वो देखा वेगा नहीं नहीं सुना कि, मैं एक दो बार देखने के बाद में ऐसा हुआ कि जैसे यही होता है, एक यहाँ पास में भी है इधर इसी रूट पे आगे और है, लेकिन वहाँ पे कम सुनता हूँ, वहाँ पे है लेकिन बहुत कम है। तो आपको लगता है कि ये लोग जब करते हैं तो अपने कॉन्डोम यूज करते होंगे? हाँ हाँ, ये लगाया करते हैं, इसे कभी कभी लगा लेते हैं, कोई वैसे वो आदमी होता है जो नहीं लगाता है, वो अपने धुन में चलता है। तो जो ऐसे सेक्स जो करते हैं लोग, उसके साथ क्या क्या बीमारियां होती हैं उससे लोग ड्राइवर लोग बाकी लोग पता होता है उसके साथ में? ये ऐसे तो क्या कौन से अपने दिल में घुस के निकलते हैं, लेकिन कोई कमज़ोर रहता है तो कोई नशे में भी कमज़ोर रहता है, जैसे कोई अमल हो, भांग हो, शराब हो, ये पी के उनके नशे में चलते हैं, ये थोड़ा होता है भाई, ये अपन को ये इससे हो रहा है, जाते हैं जो लोग शराब भी पीते हैं, अमल भी खाते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, उससे भी होता है, उससे भी कभी कभी तो जैसे कोई पतले है, कोई आदमी पतला है तो उसके धुन में वो टकराता हुआ चलता है। तो आपको एड्स की बीमारी के बारे में पता नहीं है? इतनी इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे, कोई जानकारी नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है। आपको आपके भाई बंधु ड्राइवर जो है उनको भी पता नहीं होगा इसके बारे में? हाँ पता होंगे मैं, लेकिन भाई बंधु से मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ, वैसे मेरे भाई चार हैं, चारों जो मैं एक गांव करता खेती, तीन भाई हम तीनों गाड़ी चलाते हैं। नहीं, बाकी ट्रक ड्राइवर जो साथी आपके हैं? साथी है वो भी कभी मिलते हैं हम, तो अब जैसे शंकर गोल्डन की 35 गाड़ी है तो कोई कहाँ मिलती है, कोई कहाँ मिलती है, कोई उसी जगह मिल जाती है, कभी कभी उसी जगह मिल जाती है, तब कोई मामला छिड़ता है तो मिलता नहीं है हमको, ड्राइवर है जो हमको पूछते भी हैं, उनसे पूछता हूँ भाई क्या चक्कर है, क्या कौन सा है, कहाँ है, तो बताता नहीं है, क्या है यार माल नहीं है, वो नहीं है, आज वो कुछ नहीं है, वो नहीं मिला, पूरे चित्र इंटरेस्ट ही नहीं देता है। अच्छा, आपको मालूम है कि आपके कोई साथी बंधु एक ऐसा करने में कोई बीमारी हुई हो, उसे मर गए हों? मैं ऐसे करने में तो अभी तक युवा नहीं, लेकिन एक घटना बताता हूँ कि मैं पहले ऐसा आवारागर्दी करता था ना, गाड़ी नहीं चलाता था, ऐसे करता था, तब मैं गया था, ये टोंक रोड है ना, डिग्गी माल पर रोड, उसी गाँव में एक डिग्गी है जिस कल्याण का स्थान है, वहाँ पर वहाँ गया था, उसके पास जाने वाले मेरे देख के और वापस आ गया, क्योंकि मेरा दिल नहीं भरा, वहाँ पे पब्लिक खड़ी थी, कोई आता है तो कोई जाता है, कोई पुलिस पीछे पड़ रही है, कोई किसी को गिरफ्तार कर रखी है, तो मेरा तो दिल डरा गया, मगर नहीं जाएंगे। तो ये धंधा जो है इस हाईवे पे ही होता है क्या? हाईवे का नाम क्या है और कहाँ कहाँ होता है बताएंगे? ये किशनगढ़ के पहली तरफ होता है, ये आता है ना श्रीनगर, इनके बीच में होता है। ये क्या गांव, पूरा गांव है ऐसा करने वालों का? नहीं, ये एक दो घर है, छोटे छोटे घर है कच्चे, वहाँ पे इतना गांव, बड़ा गांव है तो वहाँ पे रहने नहीं देते इनको, ये तो अलग ही करते हैं, वो भी रात्रि के समय करते हैं, दिन में तो बहुत कम करते हैं वो, वैसे दिन में कोई धंधा करने जाते हैं, कोई कुछ काम करने जाते हैं, हो सके ये कोई सिटी में जाओ, कहीं कॉन्टेक्ट हो तो वहाँ सिटी में जाते हैं, लेकिन शाम ज़्यादातर शाम को कुछ यही होता है, शाम को ही धंधा होता है।
मोर क्वेश्चन है नहीं मोर क्वेश्चन कुछ ऐसे गांव जगह का नाम बताएंगे जहाँ जहाँ ये होता है विलेज गांव आसपास के जो जगह हो। ये जगह का नाम है इस रूट पर देखते किस रोड है और जो केगड़ी रोड है इस रूट पे दो तीन जगह है। एक तो अपन जयपुर से निकलते हैं केगड़ी से तो ये आता है बालाड़ा है उसके पास में जाते हैं तरफ इधर की साइड आता है इधर की साइड में आते हैं कम से कम 5-7 हवेली है वहाँ पे कुछ पब्लिक ज़्यादा रहती है वहाँ पे। और यहाँ से फिर चल रहे हम अस्थान आता है एक डिग्गी कल्याण का उसके वाली तरफ मंदारा होता है उसने थोड़ा यूँ जाओ क्रॉस करके वहाँ पर ज़्यादातर वहाँ पर होते हैं वहाँ पर होता है वहाँ पर ज़्यादातर हर एक वैसे वैसे मिलती है वही हर तरह की वैसे मिलती है। यहाँ पे कैसी बसें मिलती हैं? यहाँ पर तो कुछ छोकरी भी मिलती है तो कुछ बूढ़ी भी मिलती है सब कुछ मिलती है यहाँ पर उतने और जितनी वहाँ उधर मिलती है ना उतनी यहाँ पर नहीं। क्या उम्र होता होगा उन लोगों का? उनकी उम्र है कम से कम 20-18 के लगभग 18-20 की उम्र होती है। अच्छा आप लोग अपने दोस्तों से ये सब चर्चा करते हैं दोस्तों में ड्राइवर लोग और मिलते हैं? हाँ ये बात होता है दोस्तों से भी पूछता हूँ तो कैसे यार क्या है कि कोई तो ये कहता है कि यार वो नहीं है अच्छा नहीं है वो है बूढ़े है कोई लड़की नहीं है अच्छी है वो है ऐसे। आपको जाने का मेरे को कोई कानून नहीं मैं तो साल भर में या 1.5 साल में घर जाता हूँ तो भी अपने घर पे रहता हूँ कहीं जाने का नाम घर भी जाता हूँ तो घर पे जाने नहीं देते घर बाहर शाम के टाइम जाता हूँ सुबह टाइम वापस आ जाता हूँ कभी कभी गाड़ी लेकर भी जाता हूँ तो घंटा रुकता हूँ 1.5 घंटा रुकता हूँ फिर आ जाता हूँ। आपको आप शादीशुदा हैं? जी नहीं शादी नहीं हुई आपकी? अभी शादी नहीं हुई। अच्छा आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिनकी पत्नी लोग या इस तरह के सेक्स से जो बीमारियां होती हैं उससे कुछ बीमार हुए हो या? हाँ वो है कैसा भी है जो उससे कभी कभी पेट में कुछ दर्द रहता है कभी क्या होता है कभी चलता है चकराता है कभी गिर जाता है उससे पूछते हैं और वो डरता नहीं है जाने का वो 8 दिन या 10 दिन में एक चक्कर काटता है वहाँ। और कोई सी कोई औरतों को जानते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो जो करती है काम? वो तो अभी तक कोई मेरे को देखा नहीं इतना नहीं। आपका नाम क्या है? हाँ जी आपका नाम क्या है? सुभाष सिंह। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? लुधियाना से आ रहे हैं बम्बई जा रहे हैं।
मालूम है रोज इस्तेमाल करने से एड्स से बच सकता है आदमी? हाँ लाइन का समझे जो बोलिए ना पूरा कंप्लीशन पेज बोलिए वही है जो अपना वगैरह अपना बचाव आप खुद करें किसी गैर क्या कोई और गलत प्रोग्राम या किसी सोसाइटी में ना रहे अपने घर में जो है वो घर में रहे इसका जिस आदमी को हो गया है उसको बनाए बोलते हैं उसके जैसे इंसान बैठने से भी वो आ जाता है कभी जितना उतना तो खास कर जिसमें जा रहे हैं बोलते हैं सुना है दोनों बोलते हैं जो जिसको एंड होगा उसके साथ खाना पीना हो तो ये दूसरे आदमी को हो जाता है। आपने कभी यहाँ हाईवे पे झंडा होते हुए देखा है कभी? नहीं कभी नहीं देखा इसी काम का हमने कभी ध्यान नहीं दिया। एक तो आपने कभी दोस्तों से बैठ के सुनने को मिला है जब बात दोस्तों से बात करते कभी और ट्रक दोस्त जो है ड्राइवर है आपके वो लोग ऐसे बात करते हैं कभी सुने आप? हाँ वो तो सुने हैं वो तो हर रोज कहीं होटलों में जब चार पाँच ड्राइवर इकट्ठे जाएंगे तब तो बातें वो करेंगे वो आप कभी बात नहीं करते इस बारे में? इस बारे में बात नहीं होती कभी? नहीं